हेलो दोस्तों, आपको भी फेसबुक नॉन रिकमेंडेबल में है तो दोस्तों उसको फिर से रिकमेंडेबल कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए अपना फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैं फेसबुक को अपना ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद क्या कीजिएगा कि प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, सी डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही सी डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये इतना सारा ऑप्शन खुल के आ जाता है। आने के बाद क्या कीजिएगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ प्रोफाइल रिकॉर्मेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा कि यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए मेरा कुछ वायलेट है, इसमें वायलेट दिखा रहा है रिव्यू एंड कंटेंट का, तो मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिएगा, मोनेटाइजेशन के सेक्शन पे आ जाइएगा और मोनेटाइजेशन के सेक्शन पे देखिएगा कि यहाँ सब एलिजिबल है, लेकिन यही आपको रिकॉर्मेशन के ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसको कैसे हटाते हैं, हटाने के लिए सबसे पहले यहाँ से बैक हो जाते हैं और बैक होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे कि अपना यहाँ ऊपर वाला प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है प्रोफाइल, तो इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यदि एक ऑप्शन दिया हुआ है सपोर्ट इनबॉक्स का, तो क्या कीजिएगा सपोर्ट इनबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही सपोर्ट इनबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ रिपोर्ट अबाउट अदर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका गलती हुआ होगा तो इसमें आपको दिखाएगा। देखिए मैं डिलीट कर दिया हूँ इसलिए मेरा नहीं दिखा रहा है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा तो आपका होगा तो इसमें दिखाएगा, तो इसमें डिलीट कीजिएगा। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाइएगा योर लॉट पे, तो देखिए दोस्तों इसमें आए हैं। तो आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है अलॉट, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो जैसे ही इसको डिलीट करते हैं तो फिर से आपका इंप्रेशन चालू हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन आपको भेजने लगेगा। तो यहाँ से सी डैशबोर्ड करके यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो आप भी ऐसे करके डिलीट कीजिएगा। देखिए मेरा डिलीट हो चुका है, तो आप भी ऐसे करके इसको डिलीट कीजिएगा, जो भी इसमें वायलेशन होगा उसको हटा दीजिएगा। हटाने के बाद देखिएगा कि आपका भी फेसबुक रिकॉर्मेशन भेजना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके आप भी अपने प्रोफाइल का वायलेशन हटा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले